अरे कैसे हो बच्चों। अरे बढ़िया सर बढ़िया। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास फिफ्थ के इस लेसन को, और इस लेसन का नाम है बच्चों वंडरफुल वेस्ट। तो हम इसकी क्या करेंगे बच्चों, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। वंस एक बार क्या था, द महाराजा ऑफ ट्रेवनकोर ऑर्डर्ड ग्रांड डिनर इन हिज पैलेस। तो पैलेस क्या होता है, महल। एक बार एक महाराजा था ट्रेवनकोर का, उसने क्या दिया ऑर्डर, आदेश देना एक ग्रांड यानी कि बहुत बड़ा डिनर, रात्रि का भोज अपने महल में। अपने महल में उसने बोल दिया कि रात का डिनर है वो यहाँ पर। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, दोपहर में क्या हुआ, डिनर से पहले द महाराजा एंटर द किचन टू सर्वे द डिश दैट हैड बीन प्रिपेयर फॉर द फीस्ट। तो दोपहर के टाइम पे उसको किचन में गया जायजा करने के लिए, भाई रात का जो फिश है, खाना है, उसके लिए कौन सी डिश है वो बनाई जा रही है। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स। बोला कि वेजिटेबल के जो स्क्रैप्स होते हैं, जो टुकड़े होते हैं, जो यूज कर लेते हैं ना वेस्टफुल प्रोडक्ट, तो वो होते हैं। बोला कि तुम, उन्होंने आगे पीछे के कुछ काट दिया था वेजिटेबल, तो उसको बोल रहा था कि तुम इनके साथ क्या करोगे। What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook. उसने जो कुक है उससे पूछा, भाई क्या करोगे इनके साथ। Pointing to the basket of scrap near the cook. तो उसने एक जो बास्केट यानी कि टोकरी की तरफ इशारा किया जहाँ पर वो सब्जियों के टुकड़े पड़े हुए थे। फिर क्या था, द कुक रिप्लाइड, जो कुक था उसने रिप्लाई किया, दे आर वेस्ट, ये तो किसी काम के नहीं है, वेस्ट है ये चीज़। वी विल थ्रो दैम अवे, हम तो इनको बाहर फेंक देंगे। फिर क्या हुआ, यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसीज ऑफ वेजिटेबल। तो राजा ने बोला कि आप वेस्ट नहीं कर सकते इसको, यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स, क्या होता है छोटे टुकड़े, आप इन छोटे टुकड़ों को जो वेजिटेबल हैं पीस हैं उनको फेंक नहीं सकते, वेस्ट नहीं कर सकते। फाइंड ए वे टू यूज देम, बोला एक तरीका कोई निकालो कि उनको यूज किया जा सके, उन्हें उपयोग में लाया जा सके। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे, जो है भाई दृढ़तापूर्वक उसने कमांड किया, आदेश किया और चला गया। भाई राजा है, राजा ने तो ऑर्डर दे दिया और चला गया कि भाई इनको जो है यूज में लाओ। फिर क्या था, द कुक वाज इन ए फिक्स एंड केप्ट स्टेरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप फॉर सब टाइम। कुछ देर तक तो वो उस जो वेस्ट की तरफ है, उस टोकरी की तरफ वो देखता रहा कुक। फिर सडनली, सडनली क्या होता है बच्चों, अचानक क्या हुआ, फिर अचानक एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। तो उसके जो दिमाग में एक आइडिया आया, फ्लैश किया आया। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, उसने सारी वेजिटेबल के वो बिट्स थे वो लिए, वॉश देम एंड क्लीन देम वेल, उनको धोया अच्छे से, साफ सुथरी तरीके से उसने सबको धोया। देन ही कट देम इन टू लॉन्ग स्ट्रिप, और फिर उनको लंबे लंबे उसने काट लिए स्ट्रिप्स में। पुट देम इन ए ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक। फिर क्या किया उसने, सबको सब्जियां ली, एक उसने बड़ा सा बर्तन लिया, ह्यूज पॉट क्या होता बर्तन, और उसको किस पे रख दिया, फायर पे, आग पे रख दिया, किसके लिए, कुक होने के लिए, बनने के लिए। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, अगले काम क्या किया उसने, कुछ है कोकोनट यानी कि नारियल को उसने छोटा छोटा तोड़ा, एंड ग्रीन चिलीज और हरी मिर्च एंड गार्लिक और लहसुन टुगेदर, एक साथ ही एडेड दिस पेस्ट, उस पेस्ट को उसने ऐड कर दिया, उसमें सम साल्ट, कुछ नमक, टू द कुकिंग वेजिटेबल, किसको, जो वेजिटेबल थी, जो सब्जियां थी वो बन रही थी। ए टेम्प्टिंग स्मेल स्टार्टिंग कमिंग फ्रॉम द पॉट, और एक बढ़िया सी स्मेल आने लगी, वही खुशबू आने लग गई उस पॉट में से, उस बर्तन में से। नाउ ही व्हिप्ड सम कर्ड एंड एडेड इट टू द करी, और अब क्या किया उसने, कुछ कर्ड ली, दही ली, और उस करी में, उसमें जो सब्जी उनकी बन रही थी उसमें डाल दी। और फिर क्या हुआ, ही ऑल्सो पोर्ड ए फ्यू स्पूनफुल ऑफ कोकोनट ऑयल एंड डेकोरेटेड द डिश विद करी लीव्स। फिर क्या हुआ, उसने
उसको जो है नारियल के तेल से उसने कुछ बूंदे उसमें डाल दी, और किसके लिए डेकोरेट होता है, उसको सजाना, किसी चीज को डेकोरेशन आपने सुना होगा, तो डेकोरेट सजाया उसको करी लीव्स के साथ, पत्तों के साथ, कड़ी पत्ते के साथ, लो एंड बिहोल्ड, और क्या हो गया, द न्यू डिश वॉज रेडी, और एक नया इस तरह से एक रेसिपी तैयार हो गई। फिर क्या था, द कुक सर्वड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग, उस साय को, उस शाम को जो कुक था उसने जो राजा के जो गेस्ट थे उनको सबको वो डिश सर्व की। एवरीवन वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश, और सभी ईगर क्या होता, जानने को तत्पर, सभी जानने को तत्पर थे कि उस नई डिश का नाम क्या था। द कुक थॉट एंड थॉट, जो कुक है वो सोचता गया और सोचता गया, देन ए नेम केम टू हिज माइंड, और फिर उसके जो दिमाग में एक नाम आया, क्या था वो नाम, इट नेम्ड इट अवेल, उसने क्या नाम रखा उसका, अवेल। अवेल बिकम फेमस ऑल ओवर केरला, सारे के सारे जो केरला में वो जो डिश थी वो फेमस हो गई, प्रसिद्ध हो गई, एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेज इन ट्रेडिशनल केरला फीस्ट, और अब जो है एक जो है जो ट्रेडिशनल क्या होता, परंपरागत जो केरला का जो फिस्ट होता है, भोजन होता है, उसका अब क्या बन गई है, मेन पार्ट बन गई है उसका, ये पार्ट बन गई है वो डिश। एंड इमेजिन क्या हो, सोचना, विचार करना, सोचो, इट ऑल केम फ्रॉम ए बास्केट ऑफ वेस्ट, और किससे ये डिश आई थी, एक बास्केट ऑफ वेस्ट से, वेस्ट से ये डिश निकल कर आई थी। तो इस प्रकार से ये आपकी क्लास फिफ्थ का ये लेसन था, वेस्टफुल वेजिटेबल। बहुत ही बढ़िया लगी मुझे ये स्टोरी, आपको भी अच्छी लगी होगी तो ज़रूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।